धन्यवाद दोस्तों, मैं हूँ आर्या और आप देख रहे हैं इंग्लिश इंडिया। इस लिस्ट में पांचवी फिल्म है विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना स्टारर डियर कॉमरेड। ये वही जोड़ी है जिनका पिछले साल ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। इस वीडियो के बाद इन दोनों को काफी पसंद किया गया और ये इनकी साथ में दूसरी मूवी है। इस मूवी में बॉबी यानी विजय देवरकोंडा एक स्टूडेंट यूनियन लीडर की भूमिका में है और ये खुद को कॉमरेड मानते हैं। कॉमरेड का मतलब जो दूसरों के हक के लिए लड़ता है, जिसे उनके दादाजी थे। अब इनके पड़ोस में एक लड़की आती है जिनका नाम है लीली यानी रश्मिका। ये एक स्टेट लेवल के क्रिकेट प्लेयर है जिनका ड्रीम है कि वो नेशनल टीम के लिए खेले, पर उन्हें इसी बीच बॉबी से प्यार हो जाता है और वो उससे अपने करियर से ज्यादा भी बहुत प्यार करने लगती है। पर बॉबी एक गुस्सैल इंसान होने की वजह से वो हमेशा झगड़ों में घुस जाते हैं और लीली के भाई के साथ पास्ट में होने वाले इंसिडेंट की वजह से, जो आपको फिल्म में पता चल जाएगा, उन्हें बॉबी का गुस्सैल बिहेवियर अच्छा नहीं लगता और वो अपने सपने की तरफ रुख मोड़ लेती है और बॉबी उसी गम में सब छोड़कर कहीं निकल जाता है। अब आगे क्या ही फिर से मिलेंगे ये आपको मूवी देखने के बाद पता चल जाएगा। और आखिर में कुछ सीन्स की वजह से ये लव स्टोरी बाकी लव स्टोरी से काफी अलग हो जाती है। ये मूवी आपको YouTube पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। आज तक आपने काफी जुड़वा फिल्में देखी होगी, पर इस फिल्म को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उन सब मूवीज से ये काफी अलग और बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर मूवी होगी। तो मैं बात कर रहा हूँ एक्शन थ्रिलर मूवी थड़क की। कहानी शुरू होती है इजिल नाम की एक सिविल इंजीनियर के साथ, जो दीपिका नाम की लड़की के प्यार में पड़ जाता है। वही उनके जैसा दिखने वाला और एक इंसान उसी शहर में है जो केविन नाम का एक चोर है। अब एक रात उनमें से एक आकाश नाम के लड़के का मर्डर कर देता है। अब पुलिस इंस्पेक्टर की इजिल से पर्सनल दुश्मनी होती है तो वो इजिल को फंसाने की कोशिश करता है। फिर इसी बीच उन्हें पता चलता है उसका और एक हमशक्ल है। अब इसके बाद क्या पुलिस को असली खूनी मिल पाएगा, इसका जवाब आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएगा। एजेंट साइज रिनिवसा अथरेया एक 2019 की सबसे बढ़िया मिस्ट्री मूवी है, जिसमें एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जो शर्लॉक होम्स जैसे बड़े डिटेक्टिव से प्रेरित है और फिल्में देखकर ये इस लाइन में घुस गए हैं। मजा तब आता है जब ये केस में खुद फंस जाते हैं और अब इस डिटेक्टिव वाले दिमाग से इस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। पर जब आगे इस सबका लिंक काफी सारी अननोन डेड बॉडीज के साथ जुड़ता है, तब उनकी परेशानियां और बढ़ जाती है और वो अपनी असिस्टेंट और एक पुलिस की मदद के साथ ये गुत्थी सुलझाने में लग जाते हैं। इस मूवी को आपको सबटाइटल्स के साथ देखना पड़ेगा Amazon Prime पर, क्योंकि ये अभी तक हिंदी में अवेलेबल नहीं है। कैथी एक तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें मेन लीड में है कार्थी, जिन्होंने फिल्म में दिल्ली का किरदार निभाया है। फिल्म की कहानी पूरी इनके ऊपर ही है। दिल्ली एक जेल से अभी रिलीज हुआ एक कैदी है जो अपनी बेटी से मिलने निकला है, पर जब सारे पुलिस एक पार्टी के लिए जमा होते हैं तब उन्हें जहर दे दिया जाता है और इंस्पेक्टर बेजोर जिनका हाथ फ्रैक्चर है इसलिए वो दिल्ली से ट्रक चलाकर उन सबको हॉस्पिटल छोड़ने के लिए कहते हैं और बदले में वो उनको प्रॉमिस करते हैं कि उनकी बेटी तक वो खुद पहुंचा देंगे। अब दिल्ली बेजोर और लॉरी का जो मालिक है वो गुंडों में फंस जाते हैं। अब दिल्ली का काम है कि वो उन सबको सही सलामत हॉस्पिटल तक पहुंचा दे। ये कहानी बस एक रात की है, तो मेरा मानना है कि आप इसे रात में ही देखें ताकि आपको ये डार्क मूवी देखने में कोई दिक्कत ना हो। ये मूवी आपको Disneyplus Hotstar पे देखने को मिल जाएगी। धनुष और वेतरी मरण दोनों जब भी साथ में काम करते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि कुछ सबसे अलग और नया कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेगा। असुरन 2019 की एक मास्टरपीस मूवी है। कहानी शिवस्वामी नाम की फार्मर की है जो काफी गरीब है और उनका स्वभाव काफी शांत है। वही उनके दोनों बेटे काफी गुस्सैल स्वभाव के हैं और उनका बड़ा बेटा एक इंसिडेंट की वजह से सावकार के साथ झगड़ा हो जाता है और आगे ये बदले का खेल हमें देखने को मिलता है। अब शिवा स्वामी को उसकी फैमिली को बचाना है, इसलिए वो क्या करता है ये आपको आगे देखने को मिलेगा और उसके पास में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो काफी शांत रहते हैं और झगड़ा किसी बात का हल नहीं होता इन विचारों के बन गए हैं, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चल जाएगा। ओवरऑल ये मूवी रेंज के ऊपर है, बस इसका प्रेजेंटेशन और मूवी की बारीकी क्या इसे सबसे अलग बनाती है। मूवी काफी लॉयल है और जितने रियलिस्टिक सीन्स हैं उनकी वजह से ये इस लिस्ट में टॉप पर आती है। तो ये मूवी आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को देखने के लिए सबटाइटल की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मूवी में इमोशन से काफी ज्यादा बातचीत की गई है। अब आपको इनमें से कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद आई है मुझे जरूर बताना और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ताकि मैं ऐसी मूवीज आपको रेकमेंड कर सकूं। धन्यवाद।